हेलो गाइस, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आज हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके अंदर एज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे, तो हम जो है कोशिश करेंगे कि एक एक टाइप अपन कवर करते जाए, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं किस किस टाइप के सवाल आए हैं, ठीक है। अच्छा, अपन इस चीज की एश्योरिटी रहेगी कि आप ये अगर ये तीन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, और डिस्कशन ये वीडियो के बाद आप एज वाले क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने बैठोगे तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांस है कि आपसे सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपसे ना हो। तो एज वाले ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, बोर्ड लेवल तक आपको प्रिपरेशन हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। देखो, एज वाले प्रॉब्लम में हमेशा हमेशा दो लोगों के बीच में आपको कंपैरिजन दिखाया जाएगा कि दो लोग हैं, माँ बेटे हो सकते हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकता है ना, ऐसी चीजें बताई जाएगी। और उसके अंदर आपको ये बताएंगे कि यू नो फ्लैशबैक वाली फिल्मों जैसा आप देखी थी ना, एकदम वैसे, तो वैसे आपको बताएंगे आज से पांच साल पहले ऐसा हुआ था, नहीं है इसका इतना गुना था ना, इस टाइप की चीजें आएंगे। आज से 10 साल बाद ऐसा होगा, फ्यूचरिस्टिक 10 साल बाद ये इसकी उम्र का 3 गुना, इस टाइप के सवाल आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन में डील कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इनिशिएट करता हूं, सबसे पहले आपको दो लोग होंगे और दोनों लोगों को आपको फाइंड आउट करना है, फिर बाद में उन दोनों लोगों की एजेस को आपको सपोज करना होगा, एक्स और वाई दो वेरिएबल, क्लियर। वो आपको एज होगी उनको प्रेजेंट एज सपोज करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट एज मुझे पता है कि कोई 10 साल का है तो 2 साल पहले कितना होगा 10-2, और अगर आज 10 साल का है तो 2 साल बाद कितना होगा 10+2। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे, इसलिए हमें हमेशा प्रेजेंट एज सपोज करना है। चलिए, तो हम इन चीजों को समझते समझते साथ में यहां पर करते भी हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 10 इयर्स हेंस। अब आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता दूंगा, है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हेंस आफ्टर लेटर, और इन सभी शब्दों का, इस टाइप के जितने भी शब्द मिलेंगे ना, ठीक है, इस टाइप के सभी शब्दों का मतलब होता है बाद में, है ना, मतलब इतने साल बाद, हेंस यानी इतने साल बाद, 5 इयर्स हेंस लिखा यानी 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स यानी 5 साल बाद, 5 इयर्स लेटर मतलब 5 साल बाद। ऐसे केस में आपको, ठीक है, याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, अपना यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 10 इयर्स हेंस, इसका मतलब क्या हुआ, 10 साल बाद, 10 साल आगे आपने, ठीक है। अच्छा, मैन्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो यहां पर मैन और उसके बेटे, मतलब एक बाप और एक बेटे की जो यहां पे एज के बारे में कंपैरिजन किया, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप विल बी लेट द मैन्स एज, लेट द मैन्स एज बी एक्स इयर्स एंड हिज सन its son's age be y years। अच्छा, let the man's यहां पर present लगा था, present age, let ज्यादा accurate हो जाएगा, let the man's present age be x years and his son's present age be y years, present लगा देना ना, अब मैं दोबारा मिटाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उनकी प्रेजेंट एज एक्स इयर्स है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज वाई इयर्स है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, एक्स और वाई सपोज कर लिया। और इनके कहे अनुसार हमें क्या करना है, 10 इयर्स हेंस यानी 10 साल बाद, तो यहां पे हम लिखेंगे 10 इयर्स हेंस, मतलब इनकी प्रेजेंट एज तो एक्स और वाई है, वो हमें मालूम पड़ गई। अब अगला क्या लिखना है इनका, 10 इयर्स हेंस, हम यहां लिख रहे हैं 10 इयर्स हेंस, 10 साल बाद। अच्छा, 10 साल बाद उस आदमी की एज कितनी हो जाएगी, मैन्स एज, तो उस आदमी की एज क्या, एक्स अभी है तो 10 साल बाद क्या 10 बढ़ जाएगा, तो एक्स प्लस 10 इयर्स, ये हो गई इसकी एज। और लड़की की क्या हो जाएगी, हिज सन्स एज, हिज सन्स एज वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी वाई प्लस 10 इयर्स, तो ये हो गए 10 साल बाद। यही अगर 10 साल पहले बोला जो भी आगे है 10 इयर्स एगो में 10 साल कम, 10 साल तीन है ना, x माइनस 10 और y माइनस 10 करेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब यहां लिखेंगे हम ए टी क्यू। ए टी क्यू का मतलब क्या होता है सर? ए टी क्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा। 10 इयर्स हेंस का मतलब हुआ कि दोनों में 10 10 ऐड कर दिया। मैंस एज, तो मैन की एज डिफिनेशन, मैन की एज कितनी है भाई साहब? एक्स प्लस एन है, लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे की क्या करना है, आगे अपने को ये करना है कि इसके अंदर मैंस एज will be, shall be, become, became, is, was, इन सब का मीनिंग क्या होता है? इज इक्वल टू। तो will be का आपको यहाँ पे कंसिडर करना है इज इक्वल टू। will be के बाद क्या है? Twice, twice का मतलब होता है दुगना, और दुगना का अर्थ होता है कि आप डबल करो, मल्टीप्लाई करो, twice कर दिया। किसका twice है? द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का दुगना, तो उसके बेटे का एज कितना है? वाई प्लस एन। तो इस प्रकार से आपको करना है। क्या ये बात सभी को समझ में आए? ये पहला क्वेश्चन है, मैं एकदम डिटेल में करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x plus 10 is equal to 2 into y, 2y plus 20, इसको इधर लेके आ जाएंगे, 2y को इधर लेके आ जाओ, x minus 2y is equal to, ये 20 है और 10 लेकर है 20 minus 10, यहां से मिला x minus 2y is equal to 20 minus 10 कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, x minus 2y is equal to 10। अच्छा, अब हम आगे कैसे करेंगे सर? नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए हमारे पास ना थोड़ा जगह का अभाव है ना, अगला इक्वेशन मैं ये नहीं लिख रहा हूं। आप एज्यूम 10 इयर्स हैं सर, तो यहां पर 10 इयर्स एगो, तो 10 साल पहले हम की एजेस क्या हो जाएगी? जो ये x plus 10 का वो x minus 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y minus 10। ध्यान रखना, कभी भी एक में से माइनस करना, दूसरे में भूल मत जाना, दूसरों में भी करना होगा। अगर ये 10 साल पहले, इसकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी, इसकी भी तो कम होगी, टाइम तो सबके लिए इक्वल होगा, तो 10 साल पहले आपको दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। तो 10 साल पहले वाले केस में हम मान लेते हैं, 10 साल पहले क्या रखा है? 10 इयर्स एगो, 10 इयर्स का मतलब हुआ 10 एक्स माइनस 10 और वाई माइनस 10। आगे क्या दिया है? मैन वॉज, तो मैन की एज कितनी थी? एक्स माइनस 10, ये था। वॉज यानी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अगर आप ये एग्जाम में लिखते जाओ तो आप ये 10 इयर्स जैसे हेंस लिखा वैसे 10 इयर्स एगो यहां लिखना, और ये दोनों की एज लिखना, और उसके बाद ये स्टेप शुरू करना। हम क्यों नहीं कर रहे? क्या मतलब थोड़ी जगह का अभाव होता है, तभी ये, ठीक है। चलो, तो 10 इयर्स है तो मैन वॉज, तो ये मैन हो गया, वॉज एन इज इक्वल टू 4 यानी 4 होता है, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई होता है, और एज ओल्ड एज हिज सन, तो सन की एज कितनी हो जाएगी? वाई माइनस 10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x minus 10 is equal to 4 into y, 4y minus 14। अब ये 4y जाएगा, क्या हो जाएगा? x minus 4y, और ये क्या है? माइनस 40, और माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 10। सो x माइनस 4y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 30 आ गई। तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब सर सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका है, एक काम करते हैं, सॉल्व हम यहां पे कर लेते हैं, ये जगह हमारे लिए पर्याप्त है। तो यहां पे है x माइनस 2y, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम यहां रखते हैं, सफिशिएंट यूज करेंगे हम। तो x minus 2y अगर 10 के इक्वल है तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 plus 2y, क्लियर। अब ये x की वैल्यू अगर मैंने इसमें से निकाली, इसको मैं रखूंगा इस वाले इक्वेशन में, इसको यहां पे कर दूंगा, यहां लिख रहा हूं क्या लिखा है? x minus 4y is equal to minus 10। x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? ये 10 plus 2y और माइनस क्या है? 4y is equal to minus 30। अच्छा, दो में से चार माइनस के मतलब माइनस टू आ जाएगा, ये है माइनस 30, और ये प्लस आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 20, तो y इज इक्वल टू 20, यानी y किसका था? सन मतलब उसका बेटा जो है 20 साल का था, और उसके बाबूजी कितने साल के थे, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप यहां रखो, ये था ना x इक्वल टू, यहां आप करते रहे 22 का कितना हो जाएगा? 40, और 40 प्लस 10 50, यहां से x इज इक्वल टू 50 आ गया। तो लास्ट में आपको इसे लिखना होगा, सो द मैंस प्रेजेंट एज वाज 50 इयर्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज वाज 20 इयर्स। तो ऐसे जो हम इनके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट तरीका है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स भी, मतलब एग्जैक्ट ऐसे मत लिख देना, आप नीचे लिखना, ठीक है ना, यहां पर जगह कमी है। तो आप जिन जिन चीजों का मैंने बोला ध्यान रखना, और एग्जैक्ट सेम आपको इस पैटर्न में लिखना होगा क्वेश्चन को, इस तरीके से, ये बेस्ट अप्रोच है मेरे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग तो बताऊं एकदम सही तरीका है ये, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करते जाओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
चलो अब इसमें प्रैक्टिस करने के लिए एक सवाल यहाँ पे है, आप दो तरीके हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो कि क्वेश्चन आंसर हो जाए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ट्राई करने कोई नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो सॉल्यूशन दे दो, है ना। चलो तो पॉज करके ट्राई कर लिया आपने, ट्राई नहीं करो मुझे पता है, तुम तो सॉल्यूशन देखो। चलो हम सॉल्यूशन ही करते हैं, इंतजार तो कर नहीं सकते, पॉज करना होगा कर लो। तो इसमें भी दो लोग हैं, कौन कौन से, एक धूरी है और एक सोनू है, तो ऐसे लिखना होगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू, सोनी हो गया तो सोनू कर लेना, नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली, इज्जत से ठीक है थोड़ी गलती, रिस्पेक्टिवली पता नहीं जो भी है, रिस्पेक्टिवली सुनना ठीक है, थोड़ी बहुत गलती देखी जाएगी। तो ये हो गए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू विल बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा अब क्या बोला है, फाइव ईयर्स एगो, तो वेरी फाइव ईयर्स अगर मैं एगो की बात करूं तो फाइव ईयर्स एगो तो पांच साल पहले, तो पांच साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी क्या एक्स माइनस फाइव, है ना, और सोनू की एज, सोनू की एज कितनी हो जाएगी वाई माइनस फाइव, क्या ये बात समझ में आ रही, एकदम जैसे ये कर रहा था वैसे ये कर रहे हैं, एकदम सेम पैटर्न में चल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है इसमें, ठीक है। नूरी की एज एक्स माइनस फाइव, इसकी एज वाई माइनस फाइव। अब आगे क्या बोला, नूरी वॉज, तो नूरी की एज लिख लीजिए भैया जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, नूरी वॉज मतलब इज इक्वल टू थ्राइस यानी तीन गुना एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू कितना है वाई माइनस पांच हो गया, सॉल्व करेंगे x माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री इंटू वाई, थ्री वाई थ्री इंटू पांच हो गया पंद्रह, है ना, तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस पंद्रह प्लस पांच, माइनस पंद्रह प्लस पांच, सो x माइनस थ्री वाई की वैल्यू आ गया प्लस माइनस दस, ये आपका टाइम है। दूसरा इक्वेशन में क्या बोला है, टेन ईयर्स लेटर यानी टेन ईयर्स लेटर यानी क्या हो जाएगा, दूरी के स्क्वायर लिख दो भाई, टेन ईयर्स लेटर यानी हो जाएगा एक्स प्लस टेन, और सोनू कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस टेन, एकदम से ठीक है, ये y प्लस टेन हो गया। अब क्या करना है, अब अगेन क्वेश्चन बिठाइए, क्वेश्चन में क्या करा था, टेन ईयर्स लेटर हो चुका है सर, आगे नूरी विल बी, तो पहले तो आप नूरी को ले लेंगे, नूरी आ जाएगी यहाँ पे x प्लस टेन, विल बी यानी इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा है ट्वाइस, ट्वाइस यानी दुगना, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू कितना अपना वाई प्लस दस, ये आ गया सोनू, सोनू भी है, आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस दस इज इक्वल टू टू इंटू वाई, टू वाई और टू इंटू टेन कितना आ गया बीस आ गया, और ये टू वाई को टाइम यहां फिर देंगे तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस टेन, सो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू दस, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आप एक काम कीजिए, दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, एक काम करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन को लिख देते हैं, तो यहाँ पे x माइनस टू वाई इज इक्वल टेन लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन, ठीक, और ये क्या है, ये है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। अब जब आप माइनस करोगे तो नीचे वाले की साइन चेंज हो जाएगी, सब चीजें मैंने सिखा रखा था, है ना, तो x और x कट जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री ये कितना हो जाएगा वन वाला, और टेन प्लस टेन कितना आ गया ट्वेंटी, तो y इज इक्वल टू ट्वेंटी, y किसको मान रहा है सोनू को, मतलब सोनी सोनू जो है बीस साल का था, ठीक है, अब सोनू बीस साल का है तो नूरी की एज निकाल लेंगे क्या, निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू ट्वेंटी रखो इसके अंदर, क्या था x माइनस टू वाई इज इक्वल टू दस, तो एक काम करें y की जगह बीस रख दो, ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू बीस इज इक्वल टू दस, तो ये हो जाएगा x माइनस चालीस इज इक्वल टू दस, तो x की वैल्यू आ गई पचास, मतलब नूरी पचास साल की थी, वाह नाइस, ठीक है भाई नूरी जो है पचास साल की थी, नूरी बड़ी थी उसको, तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा चलो अब अगर इतना करने के बाद एक थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहिए ना,
आप जो है ये क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आपसे तीसरा सवाल हो जाए मतलब समझिए कि आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम पूरी तरह से आ जाती है, और अगर तीसरे सवाल में आपको गड़बड़ी हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं हिंट भी दे दूंगा, ठीक है। एक बार आप सॉल्व करें, मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। हिंट क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको महसूस होगा कि तीन लोग महसूस होगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आप सोचोगे कि एक्स वाई जेड तीन तीन वेरिएबल लेकर सॉल्व करें, और तीन वेरिएबल हमें लेना नहीं है क्योंकि तीन वेरिएबल के लिए फिर तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, और तीन इक्वेशन होंगे नहीं हमारे पास, हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल में ही आपको निपटाना होगा। कैसे, देखिए पहले बार ट्राई कर लीजिएगा, अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अ मैन्स एज इज थ्री टाइम्स द सम ऑफ हिज टू सन्स, ये समझ में आया। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो बेटे एक आदमी आपको तीन लोग नजर आ रहे होंगे, बस वही दिक्कत आती है। तो यहां पे अगेन हमें करना होगा, लेट द मैन्स प्रेजेंट एज, लेट द मैन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड एंड, अब उसके दो बेटे ना, हमें क्या करना पड़ेगा, एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज टू सन्स बी वाई ईयर्स। अब यहां पे हमने क्या गेम खेला, हमने दोनों को अलग अलग नहीं माना, हमने माना ये कि दोनों बेटों को जोड़ के दोनों की उम्र मिला के वाई है, समझ आई बात, वाई और अलग अलग नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि दोनों बेटों की जो एज है उसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे वाई आ रहा है, क्लियर है क्या। अब देखते रहना क्या बोला, अ मैन्स एज इज, मैन एज कितनी है एक्स, लिखो एज, लिखो इज यानी इज इक्वल टू, फिर क्या दिया सर, अ मैन्स एज इज हो गया, आगे क्या दिया है, अ मैन्स एज इज कहा था मैं बोल गया, थ्री टाइम्स, तो थ्री का जो टाइम्स है मल्टीप्लाई, थ्री टाइम्स क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स, तो भाई दोनों बेटों को एज को जोड़ने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे वाई रख दो, तो x इज इक्वल टू थ्री वाई यानी x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, प्रथम इक्वेशन, रेडी है, क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, आफ्टर फाइव इयर्स, ठीक है, पांच साल बाद ऐसा होगा तो हम लिखेंगे आफ्टर फाइव इयर्स, पांच साल बाद क्या हो जाएगा, मैन मैन ना एक्स था, मैन की एज लेकिन ऐसा, मैन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव ईयर्स। अब सोचने वाली बात यहां है, मुझे ये चीज बताइए बेटे की एज क्या होगी, व्हाट विल बी सन्स एज, हिज सन्स एज, उसके दो बेटे ना, तो पूरा लिखो हिज सन्स एज, हिज सन्स एज, ये क्या होगा मुझे ये कोई बताए, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर यहां पे y प्लस फाइव आ जाए, लग रहा है शायद है ऐसा लग रहा है, बट होगा नहीं, देखो क्या होगा, जिन लोगों को आ रहा है बहुत अच्छी बात है, यहां पे लिखा है his son's age, तो उसके एक बेटे नहीं है दो बेटे हैं ना, और हमने y किसको माना था, y क्या था, एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज टू सन्स, तो दोनों बेटों की उम्र मिला के वाई ईयर्स, अब समझिए दोनों बेटों की उम्र मिला के अगर वाई ईयर्स थी तो पांच साल बाद, तो पांच साल में उसका पहला वाला बेटा भी पांच साल बढ़ जाएगा और दूसरा वाला बेटा भी पांच साल बढ़ जाएगा, तो टोटल पांच प्लस पांच दस साल उनकी उम्र हो जाएगी, तो इसलिए हम लिखेंगे कि वाई प्लस टेन ईयर्स, ध्यान रहे पांच साल बाद होगा तो पांच साल में उस मैन में तो केवल फाइव आएगा क्योंकि वो अकेला है, उसके दो बेटे हैं तो दोनों बेटों के एजेस आपको जोड़ के बतानी है, इसलिए आपको वाई प्लस टेन लिखा गया है, क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करें, यही क्वेश्चन में मेन ट्रिक था, अगर आप ये बात समझ जाते तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। फिर अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फाइव इयर्स, आफ्टर फाइव इयर्स हिज, हिज किसके लिए यूज किया गया, मैन के लिए, तो लिखो मैन आफ्टर फाइव इयर्स हिज एज विल बी, उसकी एज हो गई है और विल बी मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द, ट्वाइस यानी डबल कर, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स, तो दोनों सन्स के एजेस का सम कितना है, y प्लस टेन। अब यहां पर काम हो गया, अभी सॉल्व कर लो,
ये हो जाएगा x plus 5 is equal to 2 into y, 2y plus 20. जी इसको 2y उधर लेके आ जाएंगे अपन, तो x minus 2y is equal to 20 और plus कर जाएगा ले और minus 5. So x minus 2y is equal to 15 आ गया. अब ये हमारा काम almost खत्म हो गया. अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा था कि x is equal to 3y, इसको direct इसमें रख दीजिए. x इधर पे क्या लेता हूँ 3y और minus क्या है 2y is equal to क्या आ गया 15. यानी 3 में से 2 गया कितना बचा 1y, तो y is equal to 15. यानी उसके दोनों बेटों के एजेस को जोड़ने पे 15 आ रहा था, मतलब उसके बेटे बहुत छोटे थे तभी उनके दोनों बेटों के हो सकता है 10-5. वो हमसे पूछा नहीं कि एक बेटे की एज कितनी, हमसे यानी क्या पूछा फाइंड एज ऑफ द मैन, तो हमने तो ये निकाल लिया. अब हमें एक एक बेटे की एज नहीं बतानी, हमें सिर्फ मैन की एज बतानी है. तो वाई आ गया और वाई के रख के आप एक्स निकाल सकते हो. यहाँ पर रख दो भाई 3y था ना, तो 15 3 = 45, तो एक्स इक्वल टू 45 आ जाएगा. मतलब आदमी जो है 45 साल का था. एंड मैं ऐसे मेंशन कर देना द एज ऑफ द मैन इज 45 ईयर्स, मतलब आदमी जो है 45 साल का बुढ़ा हो चुका था. क्लियर? ठीक है. अच्छा तो मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए और ये मोर देन सफिशियंट ना. इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो इतना कॉन्फिडेंस मतलब आ जाए कि आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लो. ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये इनफ क्वेश्चंस है. आप ये 3 क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करें और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करने जाए. ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से मेरी गारंटी रहेगी कि आपसे एनसीईआरटी के सवाल हो जाएंगे. ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जरूर रखेंगे और हो सके तो कमेंट करके आप बताएं मुझे कि नेक्स्ट वीडियो, वैसे तो मैं खुद ही बनाऊंगा फिर भी आप अगर बोल सकते हो कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हम बना. वैसे तो मैं सारे टाइप कवर करने की कोशिश करूंगा. आज एज रिलेटेड प्रॉब्लम कर लिया, हम 2 डिजिट प्रॉब्लम करेंगे, फ्रैक्शंस वाले भी करेंगे, सारे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. बट फिलहाल हमने इससे स्टार्ट करी, तो ये कंप्लीट गए, बाकी कल दिन हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा. चलिए फिर मिलते हैं आज, है ना, आज के लिए कर देते हैं, बाकी मिलते हैं कल दिन. चलो बाय बाय, थैंक यू.